विधायक जी, आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में नामांकन खत्म हो चुका है और अब अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है? देखिए, हमारे मुद्दे वही हैं जो हमारी पार्टी के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के मुद्दे हैं, किसानों का और कमेरों का, यानी कि किसान वर्ग और मजदूर वर्ग को कैसे न्याय मिले, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, किसानों को उचित समर्थन मूल्य मिले, गन्ने का मूल्य मिले, समय पर मिले, खाद इतनी महंगी हो गई है उस खाद को कैसे कम दरों पर दिया जाए, बिजली जो किसानों को मासिक मिलती है उसमें मीटर लगाने का ये कर रहे हैं, उस मीटर को कैसे क्यों क्यों लगाया जा रहा है, ये हमारे इसी तरह मजदूरों को किस तरह से जो है मजदूरी मिले, बेरोजगारी में कैसे लोगों को नौकरियां मिले हैं, और हर जाति को उचित मतलब सम्मान मिले, भागीदारी मिले, यही हमारे मुद्दे हैं, यही एक प्रदेश के भी मुद्दे हैं, यही ये स्थानीय मुद्दे भी यही है। विधायक जी, आपकी एंट्री के साथ यहाँ बाहुबल शब्द का भी एक एंट्री लाई जा रही है या आई है, इसका क्या मतलब है, क्या कहेंगे? अच्छा, आप ये बताइए, आप स्वयं पत्रकार बंधु बहुत समझदार हैं, क्या किसानों के बच्चे बाहुबल होना किसानों के बच्चे में क्या बुरी बात है? क्या ये चाहते हैं बीजेपी वाले सब कुपोषण से मर जाएं, इन्हें अच्छा पोषण नहीं मिले, इन्हें दूध दही ना मिले, इन्हें घी ना मिले, क्या ये चाहते हैं? आपने ये इनका मतलब केवल ये है कि केवल बाहुबल नेताओं में मिले, केवल बाहुबल ये बीजेपी के नेताओं में मिले। अरे हम चाहते हैं कुपोषण खत्म हो, अच्छा पोषण मिले, अच्छा दूध दही मिले लोगों को, और तभी वो जो किसानों के बच्चे बाहुबली बने, प्रधान बने, पहलवान बने, खिलाड़ी बने, वो बाहुबल का मतलब ये है। अब लेकिन उनकी सोच वो एक नाम चला देते हैं। मंत्री संजीव बालियान ने कहा है 50 मुकदमे हैं आप पे चोरी लूट के, क्या है कहना आप पे? हमारे एफिडेविट के अनुसार हम पे केवल 2 मुकदमे चल रहे हैं, और फिर हमारा एफिडेविट हमारा आईना है, साफ सी बात है। उनको कुछ ज्यादा मालूम होगा, क्योंकि वो ऐसा है कि अब वो अपने गिरेबान में तो झांकते नहीं। उनका जो भाई है राहुल कुटुंबा, जिसपे इतने अपहरण के मुकदमे चल रहे हैं, वो आदमी हमारे लिए कहे तो आप सब सोच सकते हैं।